देखिए, हमारी पिछले और अभी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो निर्णय किए, काम किए, ये भी याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार हम 18,000 से भाजपा वहाँ आ रही थी, अभी 7,000 से है। तो हम समीक्षा भी करेंगे, लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी, आज़ादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे, और जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल बना है भाजपामय प्रदेश, और हमारे यहाँ तो लगातार गतिविधि बढ़ते हुए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम पिछले इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे, इस बार हम और आगे बढ़े, आगे और आगे सर बढ़े। महाराष्ट्र में काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। 100% महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेकर आया है, और जैसे मैंने विस्तार से बात कर दी, अब दोबारा दोहराऊंगा नहीं। देखिए, हमारी पिछले और अभी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो निर्णय किए, काम किए, ये भी याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार हम 18,000 से भाजपा वहाँ आ रही थी, अभी 7,000 से है। तो हम समीक्षा भी करेंगे, लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी, आज़ादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे, और जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल बना है भाजपामय प्रदेश, और हमारे यहाँ तो लगातार गतिविधि बढ़ते हुए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम पिछले इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे, इस बार हम और आगे बढ़े, आगे और आगे सर बढ़े। महाराष्ट्र में काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। 100% महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेकर आया है, और जैसे मैंने विस्तार से बात कर दी, अब दोबारा दोहराऊंगा नहीं।